नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी अमृता। अब सीधे आपको लिए चलते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वाले चुनाव में ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। शुक्रिया अखिलेश जी। राहुल जी, नमस्कार। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अच्छा, एक और बात, आपने जयराम जी, आपने कहा कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछेंगे और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। आजकल गारंटी का जमाना है राहुल जी। पहला सवाल महिकार सिंह जी, हिंदुस्तान हिंदी डेली से। माइक दीजिएगा।
राहुल जी स्वागत है आपका। दोनों नेताओं, जबकि आज प्रचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है, आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी, वो दिल्ली से यहाँ आए हैं। आपने गाजियाबाद में ही क्यों पीसी की? यूपी और दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद में पीसी हो रही है। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अमर उजाला से निशा, आप थोड़ा शांत हो जाइए यहाँ, प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी में, न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में, इस बार कांग्रेस ने अपने बहुत कम प्रत्याशी 268 अभी तक सामने आए हैं, और यूपी में तो 80 सीटों के मुकाबले केवल 17 सीट हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा मान के चल रही है कांग्रेस की आप कमजोर चल रहे हैं, या यूपी में कमजोर है कांग्रेस इसलिए सपा या आपके गठबंधन बाकी सहयोगी पार्टी सीट नहीं देना चाह रही है? नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और हमने सीट शेयरिंग की है, और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है, पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। पीटीआई से अनवर। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गठबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं, और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी, तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों? देखिए, मैं सीट का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूँ, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। दैनिक जागरण से आदित्य त्रिपाठी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? सॉरी, क्या? उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति, आप दोनों लोग की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको अपना, हमारा फाउंडेशन बता देता हूं।